दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेईमान निकली इंग्लैंड की टीम, धोखे से जीता फाइनल, भारत के साथ भी की थी गद्दारी। अब उनके बेईमानी की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। कैसे एम्पायर के साथ मिलकर एक बार फिर से बेईमानी से जीता वर्ल्ड कप, उसका पूरा सच अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर से भारत के साथ हो सकता है इंग्लैंड का सेमीफाइनल। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, जॉस बटलर में से महान कप्तान कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2022 के वर्ल्ड कप में सबको आश्चर्यचकित करते हुए जॉस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड ने एक बार फिर से T20 विश्व कप अपने नाम किया। भले ही इंग्लैंड में अच्छा खेला हो, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में यदि कोई एक चीज वायरल हो रही है तो वो है इंग्लैंड की बेईमानी। फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए इंग्लैंड चैंपियन बनी। इस मैच में इंग्लिश टीम के 2 सितारे जमकर चमके। सैम करन, जिन्होंने गेंदबाजी में 4 ओवर के स्पेल में केवल 12 रन देकर 3 पाकिस्तानियों का शिकार किया, जिसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तब बेन स्टॉक्स अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। लेकिन इस जीत में भी कई राज छिपे हैं। और दोस्तों, इसी मैच में 3rd ओवर में जब शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए तब उनकी 3री गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट आउट थे, क्योंकि अफरीदी की फुल टॉस गेंद फ्लिप सॉल्ट के पैड पर जा लगी। सभी पाकिस्तानियों ने जोरदार अपील की, लेकिन कुमार धर्मसेना, जो कि मैदानी एम्पायर थे, वो टस से मस ना हुए। बाबर आजम ने रिव्यू लिया जिसमें साफ नजर आ रहा था कि गेंद सीधे जाकर स्टंप पर लगी है। बावजूद इसके 3rd एम्पायर ने भी धर्मसेना का साथ दिया और बल्लेबाजी कर रहे सॉल्ट क्रीज पर सलामत रहे। एम्पायर के इस फैसले ने सभी पाकिस्तानियों को झंझोड़ कर रख दिया। यही नहीं, इस मुकाबले में कई दफा एम्पायर ने पाकिस्तान के साथ चीटिंग की। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब पूरी दुनिया के सामने इंग्लैंड की बेईमानी की कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर एम्पायर के साथ मिलकर इंग्लैंड ने भारत के साथ भी धोखा किया था। दरअसल इस मैच में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का विकेट गिर चुका था, जिन्हें ऋषभ पंत ने कैच आउट कर दिया था। अपील करने पर कुमार धर्मसेना, जो कि उस मैच में मैदानी एम्पायर थे, उन्होंने बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं दिया और आउट नहीं दिया। और टीम को, इंडिया को साथ दिक्कत इस बात की थी कि उनके पास एक भी रिव्यू नहीं बचा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस बात को पचा पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि जो इंग्लैंड ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबलों में 10 या 12 ओवरों तक अपने लगभग 4 या 5 विकेट गंवा देती थी, भारतीय टीम के खिलाफ 10 विकेट से कैसे जीत गई, अब इस पर जमकर चर्चा हो रही है। यहां तक कि ICC के चीफ भी इस मामले में कूद गए हैं। एम्पायरिंग की जमकर जांच पड़ताल की जा रही है और उम्मीद ये है कि एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ट्रॉफी टीम इंडिया को भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होना चाहिए या नहीं, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।